इस बहन ने परसों ये अंगूठी मुझे पहनाई। जब मैं आया था सलकनपुर रात, मैंने बहुत मना किया कि अंगूठी वापस ले लो। इन्हें कहा ये तो नहीं लूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। क्या हो जाती माइक पे बता दो। मैं गुस्सा हो जाती, गुस्सा हो जाती मेरी बहन। तो भाई और बहन का बराबर हक होता है भाई साहब। देखो मुझे ये प्यार मिला है मध्य प्रदेश की धरती पर, और ये दुनिया में सबसे अनमोल है। इस समय जब मेरी बहन मेरे गली से लगी है तो स्वर्ग का सुख भी इसके सामने कहीं नहीं लगता। ये जनता का विश्वास है मेरे बहन और भाइयों। मैंने पूर्व मुख्यमंत्री अपने उनको एक बहन को आइटम कहते हुए ठटा के हंसते हुए देखा था कि उनके संस्कार है, लेकिन हम तो देवी जी का विशाल देवी लोग सलकनपुर की पवित्र धरती पर बना रहे हैं अपने सब देवियों का। आप बताओ कांग्रेस ने एक पत्थर भी कभी लगाया था क्या? कांग्रेस ने एक पत्थर तक कभी नहीं लगाया। और 1.25 साल भूले नहीं हो गए जब अपनी सरकार चली गई थी। 1.25 साल में एक भी काम हुआ क्या? अरे हुआ क्या, सारे काम हमारे बंद कर दिए गए, ठप्प कर दिए गए। बुदनी रेड्डी बहुगुणा को सौतेली नजरों से देखा गया, और वैसे तो कहीं भी कुछ नहीं हुआ। पूरे मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा था उस समय, लेकिन मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि मैं आपको बचपन से कहता रहा हूं, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है, और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान। निकालते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रेहटी, जहां पर जो अब ये जनसभा को संबोधित करेंगे, वहां पर पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं कितना भव्य जो है उनका यहां पर स्वागत जो है यहां की जनता की तरफ से किया जा रहा है। और सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो यहां से एक संदेश जो है इस चुनाव के मद्देनजर दिया जा रहा है कि केवल जो है यहाँ से जो जनता बार बार एक विधायक को नहीं बल्कि एक मुख्यमंत्री को चुन करके भेजती रही है, और कहीं ना कहीं ये एक जनता वंदन अभिनंदन कार्यक्रम जो है इसको नाम दिया गया है। भैया मनोहर लाल जी महेश्वरी जी को यहाँ आने दे, हमारे सिलाई कला बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय सोनी जी, आप जैसे कि पूरे क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ राशि संग्रह करके हमारे कार्यकर्ता भेंट करेंगे, उसमें सारे शक्ति केंद्रों के बरखेड़ा, मरदानपुर और आशिका चौहान रेहटी, रेहटी क्षेत्र के, रेहटी नगर और सभी समाजों की ओर से और सभी आसपास के क्षेत्र की जनता जनार्दन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनाव लड़ने के लिए आपने जो राशि प्रदान की है, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपकी राशि का उपयोग माननीय मुख्यमंत्री जी के चुनाव लड़ने में होगा। धन्यवाद। अब मैं सांसद जी से आग्रह करूंगा। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, सभी बहनों भाइयों की और भांजे और भांजियों की। मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय सांसद रमाकांत जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, हमारे सभी राजेंद्र सिंह जी सहित हमारे सभी आदरणीय वरिष्ठगण, नगर पंचायत के अध्यक्षगण, पार्षद साथीगण, सब मेरे अपने पदाधिकारी सभी, क्योंकि हम सब परिवार के सदस्य हैं, और इसलिए कौन का नाम ले और काम कौन का ना ले,
सभी अपने हैं, ऐसे सभी मेरे मंच पर विराजमान भी और नीचे बैठे भी प्रिय बहनों भाइयों और बेटे बेटियों, आज मैं भाषण देने नहीं आया, चुनाव के पहले एक बार आता हूं आपका आशीर्वाद लेने, और इसलिए मैं तो अपनी जनता का आशीर्वाद लेने आया हूं। आज माली बाया से हमने आशीर्वाद का क्रम प्रारंभ किया। माली बाया में हमारे भाई बहनों ने, मेरे अल्पसंख्यक बहनों ने भी, भाइयों ने भी, बेटे बेटियों ने जो स्नेह प्रेम और आशीर्वाद दिया, मैं उसके लिए आभारी हूं। वो सचमुच में अद्भुत है। रेहड़ी की सड़कों पर हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बेटे बेटियों ने, स्कूटी वाली बेटियां स्कूटी लेके आज सड़क पे खड़ी थी, लैपटॉप वाली बेटियां वो भी मुझे बेटे बेटी स्नेह प्रदान करने आए थे, लाडली लक्ष्मी बेटियां एक मंच पर इकट्ठा होके मुझे आशीर्वाद दे रही थी, हमारे जितने वरिष्ठ है वो भी एक स्थान पर एकत्रित थे और उनने मुझे आशीर्वाद दिया। हर घर से, हर गली से, हर दुकान से, हर व्यक्ति से, आप सब से आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। आपने फूलों की वर्षा करके रेहटी नगर में मेरा स्वागत किया है। मैं आपकी जिंदगी में कभी कांटे नहीं रहने दूंगा। ये वो ही रेहटी है जहां बचपन से अपन ने कई आंदोलन किए, मेरे आंदोलन के समय के साथी आज मेरे साथ मंच पर भी खड़े हैं और नीचे भी बैठे हैं। हम सब लोग उस जमाने में किसान जंगल जाएंगे, ग्वाड़ियां बनाएंगे, आपको याद होगा कितने आंदोलन हमने किए। ये वही माटी और वही धरती है जिसका बचपन से मुझे आशीर्वाद मिला। आपने पहले मुझे विधायक बनाया, फिर आपने सांसद बनाया और आपके आशीर्वाद से ही मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। आज एक बात मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मुख्यमंत्री बनके मैंने आपका मान और सम्मान घटाया नहीं, आपकी शान और पहचान पूरे हिंदुस्तान में स्थापित की। बुधनी आज गौरव की नजरों से देखी जाती है, रेहटी आज गर्व की दृष्टि से देखी जाती है। मेरे सामने यहां से ककरदा, भोंगदा, बरखेड़ा होते हुए रतनपुर से जाजना मट्ठा गांव का रोड, एक जमाना था कि उसको काला पानी कहा जाता था। अगर सवेरे जाते थे तो देर रात तक लौट नहीं पाते थे, और अगर जीप पे चले जाओ तो सूरत पहचान में नहीं आती थी, इतनी धूल जमती थी। लोग कहते थे ये तो काला पानी है, लेकिन बहनों और भाइयों आपका आशीर्वाद मिला, सड़कों का जाल पूरे क्षेत्र में बिछा। बिछा कि नहीं बिछा? अरे जोर से बताओ, बिछा कि नहीं बिछा? आज तो विकास के काम किनारे नहीं आए। रेहटी में आईटीआई, रेहटी में कॉलेज, रेहटी में सीएम राज स्कूल, रेहटी में नर्मदा जी का पानी, रेहटी में गरीबों के मकान, रेहटी में दशहरा मैदान, रेहटी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो कुछ दिया वो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, हमने दिया। आप बताओ कांग्रेस ने एक पत्थर भी कभी लगाया था क्या? कांग्रेस ने एक पत्थर तक कभी नहीं लगाया। और सवा साल भूले नहीं हो गए जब अपनी सरकार चली गई थी, सवा साल में एक भी काम हुआ क्या? अरे हुआ क्या? सारे काम हमारे बंद कर दिए गए, ठप्प कर दिए गए। बुधनी रेहटी बहरुंडा को सौतेली नजरों से देखा गया, और वैसे तो कहीं भी कुछ नहीं हुआ, पूरे मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा था उस समय, लेकिन मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि मैं आपको बचपन से कहता रहा हूं, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है
उस पर रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूँ। परिवार, आप सब मेरा परिवार हैं। बताओ मैं मुख्यमंत्री लगता हूँ क्या? तो क्या लगता हूँ? अकेला मामा नहीं हूँ। बहनों का क्या लगता हूँ? बहनों का मैं भाई हूँ, बच्चों का मैं मामा हूँ, और अब तो बूढ़ों का भी मामा ही हो गया। कुछ दिनों में लगता है शिवराज भूले जाएंगे लोग, केवल मामा ही रह जाएगा। मेरी बहनों, मेरी एक फूल वाली बहन आई है क्या? ये मेरी फूल वाली बहन, इधर आ जा, इधर आओ जरा। ये वहां से पैदल चल के आ रही है। आज मैं बताना चाहता हूं आपको, ये फूल बेचने का काम सलकनपुर के मंदिर के पास नीचे करती है। ये मेरी फूल वाली बहन, आ जा मेरी बहन। इस बहन ने परसों ये अंगूठी मुझे पहनाई। जब मैं आया था सलकनपुर रात, मैंने बहुत मना किया कि अंगूठी वापस ले लो। इन्हें कहा ये तो नहीं लूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। क्या हो जाती माइक पे बता दो? मैं गुस्सा हो जाती, गुस्सा हो जाती मेरी बहन। तो भाई और बहन का बराबर हक होता है भाई साहब। देखो मुझे ये प्यार मिला है मध्य प्रदेश की धरती पर, और ये दुनिया में सबसे अनमोल है। इस समय जब मेरी बहन मेरे गली से लगी है तो स्वर्ग का सुख भी इसके सामने कहीं नहीं लगता। ये जनता का विश्वास है मेरे बहनों और भाइयों, ये जनता का विश्वास। और नहीं बस बस आप बैठ जाओ मेरी बहन। देखिए ये मेरी कमाई, मैंने यही कमाया है। मैं नेता हूं ही नहीं, मैं परिवार का सदस्य हूं और अपनी जनता को ही अपना भगवान मानता हूं। ये जीवित जागृत जनता ही। अब बहनों के बारे में मैं हमेशा कहता हूं, बहनों के बारे में हमेशा ये कहता हूं, दुर्गा सप्त सती में कहा है, देवताओं ने देवी जी की उपासना प्रार्थना करते हुए कि मां जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो तेरी ही मूर्तियां हैं। ये जितनी माताएं बहनें बैठी है ये मां की ही मूर्तियां हैं। और इसलिए मैंने परंपरा शुरू की कि मैं कोई भी कार्यक्रम अपना बेटियों का पूजन करके ही करता हूँ। मैं उनके पैर पखारता हूँ, पानी माथे से लगाता हूँ, मैं बहनों के भी पैर पखारता हूँ। कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। एक नेता श्रीमान बंटा ठार, उनने कहा शिवराज सिंह चौहान नाटक नौटंकी करता है। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, बहनों और बेटियों के पांव धोना नाटक नौटंकी है क्या? कन्या भोज कराना नाटक नौटंकी है क्या? अरे बेटियों की बहनों की पूजा सनातन संस्कृति में हजारों वर्षों से होते आई है। लेकिन ये नेता जो अरबपति है, जो धन्ना सेठ है, जो सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं, ये भारतीय सनातन संस्कृति के संस्कार नहीं जानते और इसलिए बहनों को भी अपमानित करते हैं। मैंने पूर्व मुख्यमंत्री अपने उनको एक बहन को आइटम कहते हुए ठटा के हंसते हुए देखा था कि उनके संस्कार है। लेकिन हम तो देवी जी का विशाल देवी लोग सलकनपुर की पवित्र धरती पर बना रहे हैं अपने सब देवियों का। और इसलिए कोई भी योजना हो, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, बहुत लंबा मुझे जाना है और रात को इंदौर भी बैठक में पहुंचना है। मेरे बहनों और भाइयों, एक नहीं ऐसे अनेकों लोग बनाए हमने। और लाडली बहना योजना भी लाडली लक्ष्मी के बाद, आज लाडली लक्ष्मी बेटियों ने मुझे पैसा दिया,
लाडली लक्ष्मी बेटियों की थैली मिल गई क्या? देखो एक अजूबा है ये, कई जगह नेताओं से लोग पहले मांगते चुनाव में पैसा, कि पैसा दो तब काम करेंगे। ये शिवराज सिंह चौहान है जिसको जनता देती है पैसा कि भैया तुम चुनाव लड़ो, हम तुम्हें पैसा दें। अब मुझे कोई 100 का रुपया देता है, 100 का नोट, कोई 50 का नोट, बहने देती है, माताएं देती है, हाथ में पकड़ाती है, कहती भैया ये चुनाव के लिए। ये क्या है? ये जनता का असीम प्रेम है मेरे बहनों और भाइयों, असीम प्रेम। और लाडली बहना जैसी योजना ऐसे प्रेम से ही निकली। मैंने देखा कि हमारी बहनें 1,000-2,000 रुपए के लिए भी परेशान हो जाती है, तब हमने तय किया कि अपनी बहनों के खाते में हर महीना 1,000 रुपया डालेंगे। 1,000 से शुरू किया। आज मैं यहां भी पूछ रहा हूं, कैसी है लाडली बहना योजना, बताओ बहनों, अरे जोर से बताओ ना, अच्छी है? लेकिन कांग्रेस के लोग चुनाव आयोग में शिकायत कर रहे हैं कि मामा तो कह रहा है चुपके से पैसा डाल दूंगा। अरे चुपके से काय के लिए? तो योजना बनाइए तो डंके की चोट बनाइए, सीधे खाते में पैसा जाएगा। और अभी तो 1,250 जा रहा है, धीरे धीरे इंतजाम करता जा रहा हूं। पैसा बहुत सा लगता है ना, अगर 1,000 ही रुपया दो तो 1,32,00,000 बहने हो गई। और कहीं रह गई अभी भी, कह रही भैया हम तो रह ही गए, हमका काय रह गए। बोले भैया हमने सोची पैसे ही पैसे ही, कह रहे हैं पैसा थोड़ी दे तो हमने फारा भी नहीं पाया। अब बाद में ऐसी बहनों का भी नाम जोड़ा जाएगा। और 21 साल से ऊपर की उम्र की जितनी बेटियां हैं, अभी हमने एक शर्त उसमें डाली थी कि विवाहित बेटियों को, तो कई बेटी मुझसे लड़ पड़ी कि मामा हमें नहीं करना जल्दी शादी, हम तो पढ़ाई करेंगे, 21 में काहे को शादी करें। तो उन बेटियों को भी अब देने का फैसला किया है। मैंने चुनाव के पहले ही घोषणा कर दी थी कि जितनी भी योजना बनी, अपने बुधनी की इस धरती पर जो तकलीफ मैंने देखी रेंटी की धरती पर, माँ बहन और बेटी की जिंदगी में, उनके लिए सारी योजनाएं बनाई। लंबा भाषण नहीं दूंगा, बहुत लंबा जाना है। परिवार की सरकार का मतलब है परिवार की हर व्यवस्था। हमने तय किया कि वो गरीब जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, फ्री में जमीन देके रहने की जमीन का मालिक बनाएंगे, पट्टा देके, पट्टा देने का क्रम जारी है। हमने तय किया है कि जिनके मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में रह गए हैं, उन सबके मकान भी मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना में पक्के बनाएंगे, उनको भी पैसा दिया जाएगा। हमने तय किया है हर परिवार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, ये अगले टर्म में हमको करके दिखाना है। बहनों को रसोई गैस का कनेक्शन 450 रुपया में ही देने का हमने फैसला किया है, लाडली बहना और उज्ज्वला रसोई गैस की बहना। हमारे कांग्रेस के लोगों ने जो कई योजनाएं बंद कर दी थी वो फिर चालू, तीर्थ यात्रा फिर चालू, और अब केवल रेल से नहीं, अब तो हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा करवाने ले जाएंगे और ले जाएंगे। कांग्रेस ने तीर्थ यात्रा बंद, कन्यादान बंद, संबल बंद, बेटिया बेटियों के जन्म के पहले का पैसा बंद, बाद का पैसा बंद, सारी योजनाएं कांग्रेस ने बंद कर दी थी। बेटियों की शादी करके उनको पैसे भी नहीं दिए। एक बात याद रखना मेरी लाडली बहनाओं, अगर कांग्रेस आएगी किसी भी कीमत पर नहीं, लेकिन गलती से कहीं आ गई तो ना तो लाडली रहेगी और ना बहना रहेगी। ये बात ध्यान से समझ लेना। ये लोग योजनाएं बंद करने वाले हैं। मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूं कि मैं तो आज निकल जाऊंगा, आज के बाद यहां से दूसरे स्थानों पर प्रचार करने। बताओ चुनाव में प्रचार करने के लिए मेरी जरूरत है क्या? अरे सब बताओ मेरी जरूरत है क्या? तो मैं एक वचन आपको दे रहा हूं, मैं पूरे मध्य प्रदेश में दिन और रात घूम रहा हूं। देखते हो कि नहीं घूमते हुए? देखते हैं। 24 घंटे में से कितने घंटे काम कर पाऊंगा? 18-20 घंटे काम करता हूं। और मैं फिर आपको वचन दे रहा हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा को जिता के मैं बीजेपी की सरकार फिर से बना के लाऊंगा। लेकिन बुधनी में चुनाव कौन जिताएगा? अरे सब बताओ जोर से, कौन जिताएगा चुनाव, कौन लड़ेगा? तो आप शिवराज बन जाओ, आप चुनाव लड़ो,
जितने पैसा दिए मैंने अध्यक्ष जी को लौटा दिए, अब उनमें ही काम चलाओ और जरूरत पड़े तो और इकट्ठे करते जाओ। अब ये 20-22 दिन कितने 21 ही दिन बचे हैं और दिवाली के बीच के 2-4 दिन निकल ही जाएंगे। तो अब मैं केवल इतना निवेदन कर रहा हूं कि आप सब शिवराज सिंह चौहान बन के चुनाव प्रचार करें, मैं अपनी तरफ से बाद में 5 साल आपकी सेवा करूंगा। बोलो सबको मुझ पर विश्वास है, जोर से बताओ सबको विश्वास है, तो अपने स्थान पे खड़े हो जाइए सब और आज संकल्प लीजिए कि शिवराज तुम जाओ प्रदेश में सरकार बनाओ, रेहटी हम जिताएंगे, इस क्षेत्र से हम जिताएंगे। बोलो सबको मंजूर है, उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, सलकनपुर वाली मैया की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। क्या नाम है बेटी आपका? संध्या। गुल्लक दिए, अपने बचाए हुए पैसे दिए, मैं ऐसे बच्चों को इसको बुलाओ कहाँ सर? नीचे। क्या नाम है तुम्हारा बेटी? ये शिवानी कुशवाहा है। क्या मिला बेटी बता दो? मुझे स्कूटी मिली है, मैंने मट्ठा गांव से 12th में टॉप किया है। एक बात और सुन लेना, इन बच्चों का एडमिशन मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ और कहीं भी उच्च शिक्षण संस्थान में हुआ तो फीस मामा ही भरवाएगा, मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, चिंता नहीं करें। इन बच्चों को सपनों को हम मरने नहीं देंगे। और ये भी बेटी मुझे 100 रुपया दे रही है अध्यक्ष जी, ये 100 नहीं लाखों के बराबर है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, हमेशा खुश रहो, आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद, लंबी यात्रा है अब चलना पड़ेगा। अब यहाँ क्या बोले तुम बताओ? आज आज माली बाया से मैंने जनता से आशीर्वाद लेना शुरू किया, मैं अभिभूत हूँ। हर घर से मुझे आशीर्वाद मिला है चुनाव लड़ने के लिए, आशीर्वाद के साथ पैसे भी दिए जा रहे हैं। और सचमुच में छोटी छोटी बच्चियां भी कहती कि मामा चुनाव लड़ो, ये हमारे पैसे लो। गरीब से गरीब बहना कुछ ना कुछ मुझे दे रही है, ये अद्भुत है, अभूतपूर्व है, भाव विभोर कर देने वाला है। मैं इस प्यार को प्रणाम करता हूँ और आज के बाद मैं केवल कल फॉर्म भरने आऊँगा, उसके बाद चुनाव यहाँ की जनता लड़ेगी, उसका आशीर्वाद लेके मैं जा रहा हूँ। पूरे प्रदेश में मैं चुनाव प्रचार करूँगा लेकिन बुधनी विधानसभा क्षेत्र में जनता चुनाव लड़ेगी। आज नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है।